कई अब शाहरुख खान की तरफ से ये फाइनल हो चुका है कि शाहरुख खान जो उनकी फिल्म है पठान उसका प्रमोशन द कपिल शर्मा के शो हो गया या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे क्योंकि फिल्म का इतना हाइप बना हुआ है बिना प्रमोशन के। तो इसी पर द कपिल शर्मा शो ने ट्वीट करते हुए बहुत ही खलबली मचा दी। उन्होंने कहा है कि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, वो मेरे फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे अपने, तो कोई बात नहीं क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सर, कौन मेरे एक्टर मेरे फिल्म प्रमोशन के लिए मेरे सेट पे आता है, क्योंकि मेरे सेट पर बहुत ही बड़े बड़े एक्टर आ चुके हैं जो ऐसे राजमौली हो साउथ के या बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्म को लेकर आ चुके हैं। तो गई जैसा कि आप जानते हैं कि जो कपिल शर्मा का शो है कोई गेस्ट आता है तब उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उनको टीआरपी मिलता है, टीआरपी चले तो उनके शो बहुत ही पॉपुलर होता है और पैसा कमाता है। तो इसी पर जो कपिल शर्मा है उनका जो पठान फिल्म है बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ है, तो कपिल शर्मा वेट कर रहे थे कि जो पठान फिल्म है उसको लेकर शाहरुख खान उनके सेट पर आए प्रमोशन करने के लिए, लेकिन शाहरुख खान की तरफ से फाइनल हो चुके वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक ट्विटर पर एक फैन ने उनसे टैग करते हुए एक सवाल पूछ लिया, क्या आप द कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन के लिए आएंगे, तो शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए फैंस को जवाब दिया कि डायरेक्ट मैं थिएटर में आऊँगा, कपिल शर्मा के शो या बिग बॉस पे क्या देखना है मुझे, डायरेक्ट आप मेरे को आके थिएटर में देख सकते हैं। तो ये फाइनल हो चुका है शाहरुख खान की तरफ से कि वो नहीं आएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म का पठान का प्रमोशन करने के लिए। तो गाइस इसका जो हाइप है बहुत ही बना हुआ है और इसका एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है और इसका एडवांस बुकिंग 2.5 लाख से ज़्यादा का बिक चुका है। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर ये फिल्म होने वाली है क्योंकि इसको लोग बैकवर्ड भी कर रहे थे, लेकिन बैकवर्ड होने के बाद ये फिल्म इतनी बड़ी सुपर सुपर हिट हो रही है। तो इससे पहले जो आमिर खान की फिल्म थी वो भी बैकवर्ड की जा रही थी लेकिन उसका इतना ज़्यादा हाइप नहीं बना इसलिए वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन शाहरुख खान को ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म पर उसका कोई नुकसान होगा। तो गाइस आप बताइए कमेंट में सबसे पहले कि आपने इसका टिकट बुक कर लिया है, टिकट बुक कर लिया तो क्या पहले दिन का टिकट बुक किया है या दूसरे दिन का किया है, ये कमेंट बताइएगा। और एक जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी तो एक हॉलीडे है तो उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा टिकट सेल हुआ है पठान फिल्म का, तो आप कमेंट बताइए कि आप 26 जनवरी के दिन का पठान का टिकट बुक किए हैं। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ओके टेक केयर।